ओके बच्चों, तो टुडे विल डिस्कस वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, इसको बताने से पहले एक चीज बता दें। मान लो हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में आप डिजॉल्व करोगे, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लिए चार मॉलिक्यूल और उसको 1 लीटर पानी में डिजॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड किस में डूब जाएगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर में, जिसमें चार आप क्या देख रहे हो, सोडियम आयन है और चार क्या है बेटा आपका, क्लोराइड आयन, ठीक है ना, रेड वाला क्लोराइड आयन। यहां पे आप देख सकते हो कि ये सॉल्यूशन कंसेंट्रेटेड है, यहां पे आयंस क्या है, दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन को हम डायल्यूट करने लगेंगे, इसमें पानी ऐड करने लगेंगे, इसको डायल्यूट कर रहे हैं, डायल्यूट ऐड करने का मतलब, डायल्यूट करने का मतलब पानी ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेपरेशन जो है आयंस का एक दूसरे से ज्यादा होते जाएगा, ठीक है ना, आयंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, रहेगा उतना ही आयंस, चार क्लोराइड आयन है चार सोडियम आयन है उतना ही रहेगा, लेकिन इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घटेगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, विच कॉजेज द इंक्रीजिंग कंडक्टेंस, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसका कंडक्टेंस जो होगा ज्यादा होगा, इससे इसका रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टेंस का नहीं, कंडक्टेंस तो इंक्रीज होता है, कंडक्टेंस अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस सेम रह रहा है इस केस में, लेकिन चूंकि मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ रहा है, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जैसे आप सॉल्यूशन को डायल्यूट करते हो, वॉल्यूम क्या होते जा रहा है सॉल्यूशन का, इंक्रीज होते जा रहा है, जबकि नंबर ऑफ आयंस क्या रह गया सेम, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पे चार आयंस था 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद था, तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर था 1, यहां पे 10 लीटर सॉल्यूशन को डायल्यूट करके 10 लीटर कर दिए, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/10 मतलब 0.4 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, देयरफॉर कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस, और कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या बोले, कंडक्टिविटी, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टिविटी रेफर्स टू द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, दस द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन।